विकासखंड पोरंज की ग्राम पंचायत महल के महल गांव निवासी 75 वर्षीय जैसी राम गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। एक तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं और ऊपर से बीमारियों ने जैसी राम को घेर रखा है। ऐसे में उपचार के लिए धन जुटाए तो कहां से। परिवार इसी चिंता में था कि किसी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना के बारे में बताया। जैसी राम की बहू सपना ने बताया कि उन्होंने हाल ही में हिम केयर कार्ड बनवाया है। इस बीच ससुर अस्थमा व लीवर की बीमारी के कारण हमीरपुर के डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में दाखिल हो गए। हिमकेयर कार्ड होने से उनका समस्त उपचार निशुल्क हुआ और अब ससुर को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। ऐसे में वे गरीबों के स्वास्थ्य व्यय की चिंता दूर करने वाली हिमकेयर जैसी कल्याणकारी योजना प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताती है। इस योजना से गरीब परिवारों को अब आर्थिक तंगी के चलते महंगे उपचार से वंचित नहीं रहना पड़ रहा है। और मैं महल की स्थायी निवासी हूँ और मेरे हम बीपीएल परिवार से संबंधित हैं। मेरे ससुर जो है तो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। कार्ड के तहत हमने हिम केयर बनवाया और हमीरपुर अस्पताल में उनका इलाज करवाया, जो कि काफी अच्छा हुआ। इसलिए मैं सरकार का आभार प्रकट करती हूँ। जयराम जी का धन्यवाद। प्रदेश में गत 3 वर्षों में हिम केयर योजना के 1,25,000 लाभार्थियों को 129 करोड़ रुपए की निशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। हमीरपुर जिला में भी हिम केयर योजना के अंतर्गत अभी तक 58,944 लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है। जिला में योजना के अंतर्गत लगभग 4,57,97,000 रुपए की राशि लाभार्थियों के उपचार पर व्यय की जा चुकी है। जिला में 15 अस्पतालों को हिम केयर योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, जबकि पूरे प्रदेश में ये संख्या 200 के करीब है। पीजीआई चंडीगढ़ में इस योजना के अंतर्गत उपचार करवाने के लिए अलग से कार्यालय स्थापित किया गया है। हिम केयर योजना के अंतर्गत कार्ड धारक परिवार के 5 सदस्यों को पंजीकृत अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को शेष सदस्यों के लिए अलग से कार्ड बनवाना होगा। आयुष्मान भारत योजना से छोटे बीपीएल परिवारों एवं स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी पड़ी वाले और मनरेगा के अंतर्गत गत वित्त वर्ष में 50 दिन कार्य करने वाले मनरेगा कामगारों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी तरह के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। एकल नारी 40% से अधिक दिव्यांगता, 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मध्यान्ह भोजन योजना कार्यकर्ता, सरकारी स्वायत्त संस्थाओं, निगमों, बोर्डो के दैनिक भोगी, पार्ट टाइम कार्यकर्ता, अनुबंध एवं आउटसोर्स कर्मचारी वार्षिक 365 रुपए का प्रीमियम अदा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उपरोक्त दोनों श्रेणियों में न आने वाले तथा ऐसे लोग जो किसी सरकारी सेवा में कार्यरत या सेवानिवृत्त न हो या उनके आश्रित न हो, ऐसे लोग भी 1,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रीमियम का भुगतान कर योजना के लिए पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए प्रतिवर्ष केवल जनवरी से मार्च माह तक तिथि निर्धारित की गई है। पंजीकरण सीधे वेबसाइट www.hpsbys.in पर अथवा लोक मित्र केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 50 रुपए का शुल्क अदा कर भी किया जा सकता है। हिम केयर कार्ड के नवीनीकरण के लिए वर्ष भर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बीपीएल परिवारों को पंचायत सचिव की ओर से 1 माह पूर्व तक जारी प्रमाण पत्र, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर को नगर परिषद, नगर पंचायत या नगर निगम की ओर से 1 माह पूर्व तक जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, मनरेगा कामगार को संबंधित पंचायत सचिव या खंड विकास अधिकारी से अटेस्टेड मनरेगा जॉब कार्ड एवं गत वर्ष की 50 कार्य दिवस पूर्ण होने की ऑनलाइन MIS रिपोर्ट जमा करवानी होगी। एकल नारी जिसमें 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, लाखशुदा, कानूनी रूप से अलग रहने वाली या अविवाहित को CDPO से जारी प्रमाण पत्र, दिव्यांग व्यक्तियों को मेडिकल प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायता को CDPO से, आशा वर्कर को खंड चिकित्सा अधिकारी से तथा मिड डे मील वर्कर को खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी से प्रमाण पत्र, जबकि दैनिक भोगी, पार्ट टाइम वर्कर, अनुबंध एवं आउटसोर्स कर्मचारी को अपने विभाग से प्रमाण पत्र देना होगा।